हाय, आई एम डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन. आई एम डूइंग आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन इंदौर. ठंडी का मौसम आया है और ठंड के मौसम के आते ही खूब सारी प्रॉब्लम्स ठंड में बढ़ जाती है. जितने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स, मोर देन 50% पेशेंट्स जो आते हैं, एल्डरली पेशेंट्स, उनको जॉइंट प्रॉब्लम, किसी प्रकार की जॉइंट प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है, जो ठंड के मौसम में एग्रीवेट हो जाती है. अब जब भी हम इन्वेस्टिगेट करें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉज हो पेन का, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉइंट डिजीज़ हो जिसके कारण वो अभी आए हैं. कुछ डिजीज़ ज़रूर होती है जो ठंड में एग्रीवेट हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपैथीज, स्पेसिफिकली फीमेल्स में जो कॉमन डिजीज़ है, जो हाउस होल्ड काम कर रहे हैं फीमेल्स, उनको जॉइंट पेन्स, लेग के पेन्स, नी के पेन्स, फुट के पेन्स ठंड में बढ़ जाते हैं. तो क्यों ये होता है और उसका क्या उपाय है, उस पर हम आज थोड़ी बात करेंगे. इस क्यों होता है, इसके कई कारण हैं, जैसे कि ठंड के अंदर जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है, जिसको अपन साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जॉइंट्स में, वो उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है. थिकनेस बढ़ने के कारण जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है, जॉइंट की जो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पेन इन द जॉइंट. दूसरा कारण है कि ठंड के अंदर वातावरण में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस के कारण जॉइंट पेन्स ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं. तीसरा कारण है जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो सेंटर की तरफ जो ब्लड के बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसकी तरफ सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण पेरीफेरल सर्कुलेशन कम हो जाता है. और पेरीफेरी में जितने अपने फिंगर्स हैं, टोज हैं, अपने पेरीफेरल जॉइंट्स हैं, उनमें सर्कुलेशन कम होने के कारण वहाँ पेन होता है. चौथा कारण है कि वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स है, वहाँ की जो नसें हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन बढ़ जाती है, वहाँ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण पेन, टिंगलिंग, किसी प्रकार की झुनझुनी, ये सब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं पेरीफेरल जॉइंट्स में, घुटने में या दूसरे जॉइंट्स में, हाथ के जॉइंट्स में, फिंगर्स में. पांचवा कारण है, इन जनरल ठंडी में लोग बाहर जाना कम कर देते हैं, लोगों की एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, लोगों की एक्सरसाइजेस कम हो जाती है. इन जनरल जब ये कम हो जाती है ठंड के कारण, किसी और कारण से उनको आलस आ रहा है या उनको लग रहा है कि हम घर के बाहर नहीं निकले, तो जब वो नहीं निकलते तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट कम हो जाता है. दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पेन इन दीज जॉइंट्स. अब इसके उपाय क्या हैं, इसके कुछ उपाय की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी वार्म रखनी है. किसी भी प्रकार से आप अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, या तो स्वेटर पहनिए, जैकेट पहनिए, ज़्यादा ठंड है तो ग्लव्स को वापरिए, ग्लव्स पहनिए, सॉक्स पहनिए. कोई भी स्पेसिफिकली पेरीफेरल जॉइंट्स है उसको आपको वार्म रखना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, कोई भी, अगर आप घर के बाहर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या घर के आसपास आपका घूमना है, आप घर में नहीं रह रहे, तो यूज़ अ वेरी गुड शू विच कीप्स योर फुट वार्म, विच कीप्स योर सम काइंड ऑफ ग्लव विच कीप्स योर हैंड वार्म, योर कीप्स योर ईयर वार्म. कपड़े के अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप जॉइंट्स को वार्म रख सकते हैं. एक तरीका है कि कोई हॉट वाटर बैग यूज़ करा, या आपने हॉट वाटर बॉटल यूज़ करी, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स यूज़ करा, आजकल तरह तरह के मार्केट में आ रहे हैं, तो उसको यूज़ करके आप जॉइंट्स को और अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं. कोई भी एक प्रकार की एक्सरसाइज या कुछ प्रकार की वर्कआउट आपको, जो आप पहले भी करते आए हैं, उसको बंद नहीं करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको चालू करें इस सीज़न में. सो एनी फॉर्म ऑफ एरोबिक वर्कआउट और एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स जॉइंट मोबिलाइजेशन. सो उसमें कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज है, उसको करना चालू करें, तो उससे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, जॉइंट में ब्लड सप्लाई बना रहेगा और पेन के चांसेस कम हो जाएंगे. इसके अलावा मैं कहूँगा कि आपके डाइट पर विशेष ध्यान रहना चाहिए. डाइट के अंदर फ्लूइड्स, हॉट वाटर इनटेक, या किसी प्रकार का जो अपने घर में देसी नुस्खे हैं जिसे कहते हैं, आप काढ़ा पी लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए, गर्म दूध पीजिए, बॉर्नविटा पीजिए, कुछ भी फ्लूइड्स का इंटेक बराबर रखिए. ठंड में लोग फ्लूइड्स भी कम पीते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हम इतना काम ही नहीं कर रहे, हमारा वाटर इंटेक ही कम हो जाता है. तो फ्लूइड अच्छा रखिए इंटेक. इसके अलावा खाने का एक वेल बैलेंस्ड डाइट रखिए, जिसके अंदर खूब सारी ग्रीन्स लीजिए. ग्रीन्स से मतलब है सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ. अपनी विटामिन डी की लेवल्स अच्छी रखिए, तो धूप में थोड़ी सिकाई कर रही है हर रोज़, विटामिन डी की लेवल्स अच्छी होनी चाहिए.
फ्रूट्स खाइए, तरह तरह के सब्जियां, सीरियल्स खाइए अलग अलग। तो अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट रखेंगे उससे भी विशेष फर्क पड़ेगा। जंक फूड को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दीजिए, अल्कोहल अगर लेते हो तो अल्कोहल को अवॉइड कर दीजिए। तो इन सब तरीकों से थोड़ा सा आपको जॉइंट पेन में आराम पड़ेगा। ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं पेन में पेन आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमको आराम नहीं पड़ा, तो कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई आपको किसी प्रकार की कोई आर्थराइटिस चालू हुई हो, तो आप कोई भी मेडिसिन लेने से घबराए ना। कोई भी एक एक्सपर्ट या कोई डॉक्टर के पास जाकर या फिजियोथेरेपिस्ट से, जिसके भी आपका लोकल डॉक्टर हो, आपका फैमिली डॉक्टर, उनको कंसल्ट करिए एंड जाकर उनसे समझिए कि कोई प्रकार की स्पेसिफिक आर्थराइटिस तो नहीं है जो इन सब करने के बाद भी कम नहीं हुई है। तो वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आप अपना ध्यान रख सकते हैं।